हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बनाएंगे फ्रेंच फ्राई। आलू को छीलकर हमने पहले धो लिया था अच्छे से। अब इनको हम पतले पतले स्लाइस में काटेंगे। सारे आलू को हमने इसी तरह से काटा है, इसी तरह पतले स्लाइस में इनको काटना है। आलू को हम एक सूती कपड़ा लेकर इनको अच्छे से इसका पानी एकदम पोंछ देना है उसमें। अब इसमें हम डालेंगे मैगी मसाला। अगर आपको तीखा खाना पसंद है तो आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। नमक इसलिए हमने नहीं डाला, इसमें मैगी मसाला डाला है। अब इसमें कॉर्नफ्लावर डालेंगे, अगर अरारोट पाउडर इसको कहते हैं। और इसमें हम आपके पास ये नहीं है तो आप चावल का पिसा हुआ आटा भी डाल सकते हैं। ये हमने अच्छे से कोट कर लिया है। इसमें हमारा ऑयल गरम हो चुका है, तेल गरम हो गया। अब इसमें हम फ्राई करेंगे इनको। ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं तलना है, लो फ्लेम पे, धीमी आंच पे इसको तलना है। ये हमारा फ्राई हो चुका है। इसी तरह सारे फ्रेंच फ्राई को हम इसी तरह तलेंगे। ये हमारा फ्रेंच फ्राई तैयार हो गया है। ये हमारा फ्रेंच फ्राई तैयार हो गया जो